बुलेटिन की शुरुआत केरल की खबर से, जहां वायनाड में लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचा दी। इस मलबे की चपेट में आने से अब तक 3 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। वायनाड में आज 3 बार लैंडस्लाइड आया है। सुबह 2 बजे, 4 बजे फिर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से 400 परिवार उसकी चपेट में आ चुके हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कुदरत का ये प्रकोप, यहाँ लोगों को किस तरीके से झेलना पड़ा है। करीब 250 लोगों की टीम लोगों को बचाने में जुटी हुई है। तबाही आने के बाद से वायनाड में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, जो लोग वहां पर फंस गए थे लैंडस्लाइड के बाद, उन्हें वहां पर कैसे निकाला जा रहा है इन लोगों की मदद से। जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग हैं, जो अलग अलग एजेंसियां हैं, उनके लोगों को आप देख सकते हैं कि इस तरीके से स्थानीय लोगों को यहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और आसपास के घर आप देखेंगे, कई मकान जो हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और ये एक पतला सा नाला आप देख पा रहे थे, छोटी सी नदी आप कह सकते हैं, जहां पानी का तेज बहाव आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए। और यहीं से जो लोग फंस गए थे उन्हें रेस्क्यू टीम के लोगों ने धीरे धीरे करके एक एक करके निकाला है। लेकिन चूंकि लैंडस्लाइड एक के बाद एक 3 बार इस तरह की घटनाएं पिछले 24 घंटों में हो चुकी हैं, इसलिए इससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ये आसपास में जो आप देख रहे हैं, ये घरों का दृश्य हो, ये जीप देखिए किस तरीके से, ये एकदम पूरी तरीके से चकनाचूर, इसके आगे का हिस्सा देखिए आप टूट चुका है। और ये आपको हम वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं, बाकी जगहों की, लैंडस्लाइड के बाद जो मलबा पानी के साथ सड़क पर आ गया था। और ये रात की तस्वीरें हैं, अचानक से अफरा तफरी मच गई थी इस घटना के बाद। चूंकि बताया जाता है रात में लगभग 2 बजे के आसपास भी लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, तो लोग डर गए थे, घबरा गए थे, अपने घरों से बाहर निकल आए थे। और सड़क पर आप देख रहे हैं किस तरीके से अफरा तफरी की स्थिति नजर आ रही थी। अब आपको कुछ और भी तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये देखिए वायनाड में जब लैंडस्लाइड हुआ उस दौरान की तस्वीर है, भगदड़ की स्थिति मच गई थी, 400 परिवार अभी भी इन इलाकों में फंसे हुए हैं। मेरे सहयोगी आशीष इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, अभी क्या स्थिति है, ताजा जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो। जी देखिए, अगर हम स्थिति की बात करें तो सबसे पहले हम कैजुअल्टी की बात करते हैं। 23 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, उनके शव बरामद किए गए। शव घटना स्थल जो लैंडस्लाइड का जो लोकेशन है उससे कुछ दूरी पर मिले हैं, नदियों में और पानी में और बाढ़ के और कीचड़ में सने हुए शव बरामद हुए हैं। NDRF की टीम भेजी गई है, SDRF की टीम पहले से ही मौजूद है, राहत और बचाव कर रही है। आर्मी की टीम, सेना की टीम बुलाई गई है, सेना की टीम भी थोड़ी देर में राहत और बचाव कार्य में जुट जाएगी। इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स को भी राहत और बचाव कार्य में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन खुद केरला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑफिस पहुँचे हैं, वहाँ से वो मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के 5 वरिष्ठ मंत्रियों को वायनाड भेजा है। वायनाड में जाकर उनको स्थिति का और जो राहत और बचाव कार्य है उसका मॉनिटरिंग, उनकी मॉनिटरिंग करने का आदेश दिए गए। उसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 250 जो SDRF है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, उनके लोगों को राहत और बचाव कार्य में लगाया। उसके अलावा बगल के ज़िलों के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को भी वायनाड भेजा गया है, बुलाया गया है, ताकि वो राहत बचाव कार्य और रिलीफ सेंटर्स जो हैं उसमें है भाग ले सके। आशीष, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन दर्शकों को ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के CM से वायनाड हादसे को लेकर बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने मरने वाले परिवारों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो हर संभव मदद की बात कही जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी। लेकिन 400 परिवार जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, सबसे बड़ी चिंता उन्हीं को लेकर, जल्द से जल्द उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घटनास्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब लैंडस्लाइड के बाद भगदड़ की स्थिति मच गई थी, लोग घरों से बाहर निकल आए थे, सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आए, चीख पुकार मच गई थी हर तरफ। और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने भी केरल में लैंडस्लाइड की वजह से हुए हादसे पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने उम्मीद जताई कि जो लोग फंसे हुए हैं वो जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे। राहुल गांधी ने केरल के CM और जिला प्रशासन से भी बात की है। वायनाड ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां से राहुल गांधी चुनकर आए थे, ऐसे में राहुल गांधी ने भी खुद वहां पर जिला प्रशासन से बातचीत की है, केरल के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने जायजा लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, बारिश की वजह से जरूर थोड़ी दिक्कतें उसमें आ रही हैं, लेकिन
400 परिवार बताया जा रहा है कि अभी भी वहां पर विभिन्न इलाकों में फंसे हुए हैं लैंडस्लाइड के बाद, क्योंकि सड़कें वगैरह भी बंद हो चुकी हैं। और इसी दुर्घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है एक्स पोस्ट पर, जो उन्होंने लिखा, केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से बेहद चिंतित हूं, एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है, मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से चिंतित हूं, यह कहना अमित शाह का। जाहिर तौर पर सबके लिए चिंता की बात है, जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ गए हैं और 23 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है।